हाय, आई एम साक्षी। वेलकम टू आवर चैनल, जहां हम लाते हैं एंटरटेनमेंट से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट। वैसे बात करें फिल्म पुष्पा की, तो आपको बता दें कि पुष्पा फिल्म हमेशा चर्चाओं में रहती है। वैसे हाल ही में मेकर्स ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया था कि इस फिल्म को दो पार्ट में रिलीज किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि तेलुगु फिल्म में ये पहली फिल्म नहीं है जिसे दो पार्ट में बांटा गया है। जी हाँ, इससे पहले बाहुबली और KGF को भी दो पार्ट में बांट दिया गया था। वहीं ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा हिट भी हुई थी। जी हाँ, बाहुबली और KGF काफ़ी ज़्यादा हिट हुई थी। KGF चैप्टर 2 अभी बीच मझधार में रुकी हुई है। जी हाँ, दरअसल कोविड के सेकेंड वेव के कारण इस फिल्म को रिलीज करने में मेकर्स अभी पीछे हट चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि पुष्पा फिल्म का भी यही हाल है। जी हाँ, सेकेंड वेव के कारण इस फिल्म को रिलीज नहीं किया जा रहा है। वैसे पुष्पा से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी खबर आई है। जी हाँ, माना जा रहा है कि सुकुमार अब इस फिल्म में एक और हीरोइन की एंट्री करवाने वाले हैं। जी हाँ, दरअसल सुकुमार चाहते हैं कि पुष्पा के सेकेंड पार्ट में किसी और हीरोइन को दिखाया जाए। वो हो सकता है या तो बॉलीवुड एक्टर हो या फिर तेलुगु। अब पता नहीं इस फिल्म में सुकुमार किसको पसंद करने वाले हैं। वैसे आपको बता दें कि अल्लू अर्जुन के पहले पार्ट वाले फिल्म में रश्मिका मंदाना नजर आएंगी। वैसे ये फिल्म कई भाषाओं में रिलीज होने वाली है। जी हाँ, इस फिल्म को कई भाषाओं में देखा जाएगा और इनमें हिंदी भाषा भी शामिल है। थैंक यू सो मच की वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज एंड अपडेट।